Hello friends, good morning. Today we will discuss about electric field. Electric field means what? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना ही पढ़ना है। इसे डिनोट कैसे करते हैं? इसे डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता कैसे है? तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि अगर दो चार्ज है क्यू क्यू, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन फोर्स, ये इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा। अगर बीच में एयर है या वैक्यूम है, कुछ भी रहे, कोई भी मटेरियल रहे, तो ये कुछ ना कुछ इस पर फोर्स लगाएगा। अगर वैक्यूम है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और दूसरा मटेरियल हो जाएगा तो कम फोर्स लगाएगा, लेकिन इस पर फोर्स लगाता है। अगर हम बात करते हैं ये वैक्यूम में इस पर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या इफेक्ट जा रहा है जो इस पर इसके कारण फोर्स लग रहा है? तो इसके कारण कहते हैं यहाँ से कुछ ना कुछ एक ये अपना फील्ड जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? फील्ड जनरेट कर रहा है, और ये चार्ज इस फील्ड के अंदर है तो उस फील्ड इसको रिपेल करता है। जैसे जैसे अगर आप ये मैग्नेट रखते हैं, तो अगर साउथ पोल रखते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये मैग्नेट आ गया है जो रिपल्सन का काम कर रहा है। यही उल्टा रखेंगे तो अट्रैक्शन करेगा, क्योंकि ये फील्ड दोनों में फील्ड जा ही रहा है, निकल किसी से नहीं रहा, इसी कारण दोनों रिपल्सन कर रहा है। लेकिन यही अगर उल्टा रख देते हैं तो ये फील्ड क्या होता है? एक से निकल रहा है, साउथ से निकल रहा है और नॉर्थ में जा रहा है, साउथ से निकल रहा है नॉर्थ में जा रहा है, तो ये अट्रैक्ट हो जाता है और ये रिपेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ये रिपल्सन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड बना रहा है, और ये फील्ड अपोजिट नेचर का है, दोनों जाने वाला ही है, सेम नेचर का है, और यहाँ पर अपोजिट नेचर का है, एक निकल रहा है तो एक ले रहा है, इसके कारण यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ रिपल्सन फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही काम करता है कि ये क्यू वन, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं ये रीजन है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर होगा तो इस पर फोर्स लगेगा, और इस रीजन के बाहर होगा तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र इतना सही है। समझ में आ गया? अगर इस पर फोर्स लगेगा और यहाँ पर फोर्स लगेगा, बहुत कम मात्रा में लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे होता है? तो ये क्या करता है? एक अपना फील्ड बनाता है। अब कैसे फील्ड बनाता है ये हम लोग जानते नहीं है। जैसे यहाँ पर मैग्नेट है, ये भी फील्ड बनाता है। एक्चुअल में क्या फील्ड होता है, कैसे होता है, वे सब कुछ पता नहीं। हम लोग बस एज्यूम कर लेते हैं कि ये साउथ से नॉर्थ से निकलता है और साउथ में प्रवेश करता है, तो ये बस मान लिए गए हैं। अगर शुरू में माना जाता साउथ से निकल रहा है नॉर्थ में इंटर कर रहा है, तो पहले वही होता। तो उसी तरह यहाँ पर मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करेगा, यानी चारों डायरेक्शन में। बाद में इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस कैसे क्या फॉर्मूला क्या होता है। और उसी तरह अगर माइनस चार्ज है तो ये क्या करेगा? मान लिया गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि नेचर में सारा चीज़ के अंदर होना चाहिए ना। क्योंकि अगर कोई एक प्रोटॉन है नेचर में, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए एग्जिस्ट कर रहा होगा पूरे यूनिवर्स में, तो ये अगर ये इमिट कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कोई ना कोई एक्सेप्ट करने वाला रहना चाहिए ना, उसके जस्ट इक्विवेलेंट। बस ये कहीं पर है और ये कहीं पर है, इसी कारण पूरा बैलेंस हो जाता है पूरा यूनिवर्स। तो ये सब तो अलग बात है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करता है, और निगेटिव चार्ज इंटर होता है इसमें। अगर इसी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को अगर आप एक साथ रख दीजिएगा, तो इसमें क्या होगा आपका? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगा और इससे डायरेक्ट जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले रहा था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नज़दीक रख दिए कुछ दूरी पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ लेने वाला आ गया। तो ये देखिए, एक दे रहा है एक ले रहा है, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। ये ऐसे जाएगा तो ऐसे नहीं जाके ये अपना कर्व, ये भी ऐसे आ रहा था, देख रहे हैं टेंजेंट हमेशा, ठीक है। उसी तरह ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से, मतलब ये यहाँ से निकल रहा है और ये इन्फिनाइट दूरी कवर करके ऐसे आ रहा है। तो ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन ये कर सकता है, हम लोग कह सकते हैं ऐसे। और ये ऑलवेज आप देखें कि ये एज्यूम किया गया है, ये
इसका कोई रूल नहीं है कि पॉजिटिव ये इमिट ही करता है, निगेटिव ये इंटर ही करता है, ये बस मान लिया गया कि बस सुविधा के लिए कि हम लोग पढ़ाई आसान कर सकें। उसी तरह ये इधर से इंटर करेगा तो ऐसे घूमते हुए इधर से इंटर करेगा, समझ गया, लंबा पाथ, ठीक है। तो ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बस याद रखना आपको, फोर्स अपॉन चार्ज। अब जैसे देखिए, अगर आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसके कारण, इस पर फोर्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस चार्ज क्यू के कारण इस जगह कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस जगह मतलब इस चार्ज क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्ट इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज क्यू। तो देखिए, तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। और बटे में क्या है, क्यू है, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा। और इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो जिसके कारण पता करना है तो उससे हम डिवाइड करेंगे। और ये क्यू वन ये क्यू टू है, तो यहाँ क्यू वन क्यू टू लिखेंगे, तो हमको क्यू वन के कारण क्यू टू पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये पता करना है ना, तो क्यू वन से डिवाइड करेंगे, जिसका पता करना है उसे डिवाइड करेंगे, सॉरी सॉरी, जिस पर पता करते हैं उसे डिवाइड करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स अगर क्यू वन से पता करना है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इसको अगर हम मान लेते हैं वन, वन कूलाम चार्ज है, तो यहाँ पर ये वन पुट कर देंगे, यहाँ पर वन पुट कर देंगे, तो उससे भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्यू वन चार्ज है, और यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट चार्ज रखा जाता है, लेकिन आप थोड़ा पॉइंट चार्ज इसी कारण रखा जाता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि अगर हम कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे, पॉइंट चार्ज क्यों रखा जाता है इसको, जैसे हम यहाँ पर वन ले लिए, आप वन इसी कारण लिया जाता है क्योंकि वन वन ऐसे भी कैंसिल हो गए, फॉर्मूला वही दे रहा है, लेकिन वन रखने से होता क्या है कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा इस पर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसी कारण यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है, क्योंकि ये चार्ज है तो ये भी चार्ज है ना, तो अगर इसको इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा ना, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज कुछ दूरी पर रहेगा, तो ये निकल रहा है ये निकल रहा है, तो इसके कारण इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा, तो डिस्टॉर्शन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके कारण यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्यू वन क्यू टू चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यों माने, क्योंकि वही डिस्टॉर्शन नहीं हो सके इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए इस पर वेक्टर फील्ड अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ से ए है, हमको बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यानी हमको क्या चाहिए, ई वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में। ऑलवेज याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है अगर हम इस जगह वन कूलम रख रहे हैं तो फोर्स वेक्टर क्या हो जाएगा, अब तो ये डायरेक्ट हो गया, फॉर्मूला तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें आपको डायरेक्शन देना है, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर आर कैप है, तो यहाँ पे आर कैप नहीं दे सकते हैं, तो उसी आर कैप दे सकते हैं, उसी तरह हम लोग क्या बोल सकते हैं, के क्यू वन, अगर यहाँ पे हम आर वेक्टर दे देंगे तो ऊपर में वेक्टर दिए तो उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ आर क्यूब आ जाएगा, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया क्या, इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको सम आर आर वेक्टर क्या है मेरा, आर वेक्टर ए बी वेक्टर के बराबर है, मतलब ए से बी में जो डायरेक्शन वेक्टर है यही आर वेक्टर है। तो ये बस आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में, तो ऑलवेज मैग्नीट्यूड वाला काम में आता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसका जल्दी से जल्दी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो ऑलवेज याद रखना है, अगर फोर्स यहाँ निकल गया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टू इंटू ई। अब जैसे चार्ज इंटू क्यू मतलब क्या, अगर कोई यहाँ पर चार्ज है, कोई चार्ज है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट का पता है ई है, तो
इस जगह कोई चार्ज क्यों रहेगा, इस पर फोर्स क्या लगेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा कितना, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया आपको, और यही चार्ज क्यू है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, और ये यहाँ पर कोई चार्ज माइनस क्यू है तो इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। आप साइन कन्वेंशन से यहाँ देख सकते हैं, साइन रखकर, मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, किसी भी जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और उस जगह कोई चार्ज है तो उस जगह फोर्स कितना लग रहा है, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट देख लीजिए, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा एसआई यूनिट। उसके अलावा आप यहाँ पर जैसे देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये भी कर सकते हैं, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, बहुत सारा चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कोई पॉइंट ए पर हमको 1 कूलाम चार्ज रखे हैं, इस पर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं सारा चीज, क्योंकि 1 कूलाम अभी बताया क्यों रखते हैं, बहुत सारा चार्ज है इस तरह, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा E1, इसके कारण E2 इधर बनेगा, इसके कारण E3 इधर बनेगा। तो ऑलवेज याद रखिएगा, इसमें हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं, यानी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखना है, क्योंकि सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं निकाल सकते, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालेगा तो एंगल के साथ आपको वहां पे डिनोट करना होगा, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं, फोर्स का लिख लीजिए, डायमेंशनल फोर्स का लिख लीजिए, चार्ज का लिख दीजिए, फिर दोनों से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऑलवेज याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण निकलता है, निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करता है, और पॉजिटिव फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.